आप अभी देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीडोमीटर है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि अब से गाइस मैं मोटो व्लॉगिंग सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शाम के बज रहे हैं 7 और मैं निकल चुका हूँ अपना बाजार चेतक लेके। मैं होप करता हूँ गाइस कि जो मेरी आवाज़ है और वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक आ रही होगी। तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँ कि अब से गाइस मैं मोटो व्लॉगिंग किया करूँगा अपने बाजार चेतक के ऊपर। एंड आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है गाइस कि जो व्यू है वो कैसा आ रहा है। अगर मेरे को कोई भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं ज़रूर उसके मुताबिक करूँगा। बाकी गाइस जो मैंने वीडियो पहले डाली थी स्पीडोमीटर के ऊपर आप अभी देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीडोमीटर है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी अभी जो वीडियोस है वो रेगुलरली आती रहेंगी। आपने बस जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना है एंड मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन टू। बाकी मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही वीडियोस डालने में। तो अब से मैं बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो वीडियोस है वो रेगुलर नहीं तो एक या दो दिन के बाद डाल सकूँ। बाकी गाइस जब से मैंने इसका इंजन रीबिल्ड करवाया है ना, इसको जो चलाने का मज़ा है वो कुछ अलग ही है, मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड्स में कि कितना स्मूथ चलता है ये बिना कोई प्रॉब्लम के। पहले तो जब मैं इसका क्लच दबाता था इस तरीके से साथ ही में ये बंद हो जाता था, बट अब वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। वो प्रॉब्लम भी जो इसकी क्रैंक होती है उसके कारण थी, क्योंकि इसकी क्रैंक में बहुत ही ज़्यादा प्ले आ गया था जैसे कि मैंने रीबिल्ड वाली वीडियो में बताया ही था। तो वही रीज़न के लिए इसका क्लच दबाने पे ये बंद हो जाता था एंड अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो ये वीडियो तो गाइस मैंने यही बात बताने के लिए बनाई है। तो अब से मोटो व्लॉग्स आया करेंगे अपने बाजार चेतक के ऊपर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड डू कमेंट डाउन कि आपको जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो कैसा लगा है।